वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो असी बायो दे किडनी बारे पढ़ा जिस एक्सक्रेटरी सिस्टम ते यूरिनरी सिस्टम पढ़ा। हुण असी चैप्टर नाल इंट्रोडक्शन करांगे। द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स एंड ऑर्गन्स। मेरी वीडियो किडनी एक्सक्रेटरी ऑर्गन ते एक्सक्रेटरी सिस्टम ते यूरिनरी सिस्टम की एक्सप्लेनेशन दी जाऊगी। हुण इसका मतलब है कि जिहड़ा भी फूड असीं खांदे हैं वह साडा एंजाइम्स ते ऑर्गन्स के द्वारा डाइजस्ट हुंदा है। हुण डाइजस्टेड फूड इज ऑब्जर्वड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी विद द हैल्प ऑफ द ब्लड। हुण जिहड़ा फूड साडा डाइजस्ट हुंदा है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ते पूरी बॉडी विच वंडिया जाता है ब्लड के द्वारा। हुण जदों ये ऑब्जर्वड फूड जिहड़ा पचा होया खाना हुंदा है वह की कहिंदे आ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है, जिवें कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मैनी कार टॉक्सिन पॉइजन सबसटांस आलसो प्रोड्यूस। कुछ खतरनाक पदार्थ भी की कहिंदे आ बन जाते हैं नाल नाल। दी सबसटांसिस मे बी फैटल इफ प्रेजेंट बियॉन्ड सर्टन कॉन्सनट्रेशन। मान लो ये सबसटांसिस किसी एक्सक्रीशन या कोई भी प्रोसैस चल रहा साडी बॉडी विच दे मान लो ये जो टॉक्सिनस हैगे है उधर जाके प्रेजेंट हुंदे है टॉक्सिनस वो फिर फैटल हो जूगे साडी बॉडी विच, मतलब फैल जूगे। फिर आही जिहड़े हार्मफुल पदार्थ ने इन्हां दे रिमूवल दे प्रोसैस नूं एक्सक्रीशन कहा जांदा है, मतलब द रिमूवल ऑफ दी सबसटांसिस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। मोस्ट ऑफ दीज वेस्ट सबसटांसिस आर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये ज़्यादातर सारे वेस्ट होंगे साडी बॉडी विच, इन्हां नूं नाइट्रोजीनियस वेस्ट किया जाता है जो फॉर्म होंगे जो अमीनो एसिड की है साडी बॉडी तो ब्रेकडाउन होंगे। असी एक्सक्रीशन थस वी कैन से दैट एक्सक्रीशन एज रिमूवल ऑफ ऑल हार्मफुल एंड अनवॉन्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी स्पैशली मैटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन वो प्रोसैस हों जिसे सारे हार्मफुल जोड़े बॉडी नहीं चाहिए वो सबसटांस रिमूव हो जाते हैं। हूँ एक्सक्रेटरी ऑर्गनस, पहला एक्सक्रेटरी ऑर्गनस है किडनीस। किडनीस की है साडी एबडोमिनल कैविटी विच लोकेट हों किडनीस। द किडनीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देयर मेन फंक्शन इज टू थ्रो आउट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स चीफली यूरिया इन फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी की है साडे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ने प्राइमरी, ये फंक्शन की है दा काम की है इत वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे है उन्होंने बॉडी चो कढ़ना एक यूरिन की फॉर्म। यूरिन असं वॉशरूम भी कहने हैं, उस बारे में डिटेल में असं पढ़ा। हुण अगला है स्किन। स्किन इज नॉट डायरेक्टली इनवॉल्व इन द प्रोसैस ऑफ एक्सक्रीशन। स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन की एक्सक्रीशन में डायरेक्टली इनवॉल्व नहीं होंगे। स्किन में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होंगे है जिन्हों स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। स्वेट ग्लैंड मतलब स्वेट दे रिलीज स्वेट, मतलब वो स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करते मतलब पसीना। स्वेट की है, स्वेट इज मेनली रिस्पोंसिबल फॉर मेनटेनिंग बॉडी टैंपरेचर। स्वेट साडी बॉडी का टैंपरेचर मेनटेन करता है। हाउ एवर सम सॉल्ट एंड सम ट्रेसिस ऑफ यूरिया आर एक्सक्रीटेड इन स्वेट विक्स मे सेल स्किन एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन टू। इनू एक्सक्रेटरी ऑर्गन इसलिए कहा गया क्योंकि जेडे सॉल्ट होंगे साडी बॉडी विच ओह एक्सक्रेट हो जाते मतलब रिमूव हो जाते पसीने के द्वारा, इसीलिए इनू एक्सक्रेटरी ऑर्गन आख्या गया है। अगला है साडा लंग्स। लंग्स एक्सक्रीट करता है, द लंग्स एक्सक्रीट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसैस ऑफ ब्रीथिंग। जो अभी ब्रीथ कर रहे होंगे लंग्स साडी बॉडी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर काढ देता है। हुण कुछ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। देयर आर नंबर ऑफ केमिकल सबसटांसिस दैट आर रेगुलरली फॉर्मड इन द बॉडी। दीज सबसटांसिस मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी अदरवाइज दे बिकम हार्मफुल। सम सबसटांसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट्स एंड विटामिन एंड बायल पिगमेंट्स। मतलब ये कह रहे हैं साडी बॉडी में बहुत ही केमिकल सबसटांसिस होंगे है जो लगातार खाने के पचन नाल बनते रहते हैं। ये सबसटांसिस साडी बॉडी तो लगातार रिमूव होते रहना चाहिए वरना ये साडी बॉडी लई नुकसानदायक बन जाते हैं। कुछ ऐवें वेस्ट सबसटांसिस होंगे जिवें कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे, एक्सेस सॉल्ट्स होंगे, विटामिन बायल पिगमेंट्स। हुण असी एक एक करके इन्हां बारे पढ़ांगे।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ईच लिविंग सेल इन द ह्यूमन बॉडी लाइब्रेट्स एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स। एक्सेस वाटर इज एलिमिनेटेड थ्रू द किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसका मतलब है साड़ी बॉडी विच जे साड़ी पूरी बॉडी सेल्स विच सेल्स नाल बनी हुई है। हरेक सैल नू एनर्जी चाहिदी है, उस होर ते सैल नू एनर्जी मिलदी है रेस्पिरेशन दे प्रोसेस दे द्वारा। रेस्पिरेशन की है मतलब हाँ की है, एक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोडक्ट्स रिमूव करता रहता सारी बॉडी तो। जेडे वाटर की कहते हैं गंदा होंगे, एक्सेस वाटर होंगे, वह किडनीज द्वारा बाहर निकलता साड़ी बॉडी विच यूरिन बन के। यूरिन होंगे साड़ा वॉशरूम। अगला है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट दीज इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। These are mainly produced as by products of protein digestion. Urea is highly poisonous. If it accumulates in the blood to a certain level, it causes death. Urea is excreted through the kidneys. ये कह रही है nitrogenous waste विच तीन substances होंगे ने जिन्हों नू असी यूरिया, यूरिक एसिड ते अमोनिया कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहे हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट तीन सबस्टांस होंगे ने यूरिया, यूरिक एसिड ते अमोनिया। यह साड़ी बॉडी विच पैदा होंगे जो प्रोटीन डाइजेशन होंगी है। अभी पहला भी पढ़िया सी मोस्ट ऑफ द वेस्ट आर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड ब्रेक होंगे है या जो प्रोटीन डाइजेशन होंगी है वो द्वारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर फॉर्म्ड। यूरिया इन्हों विचों सबसे ज़्यादा खतरनाक हैगा। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया विचों यूरिया सबसे पॉइजन जहरीला हैगा। जे यूरिया इफ इट एक्यूमुलेट्स इन ब्लड टू अ सर्टेन लेवल इट कॉज़ेस डेथ। जे ये साड़ी ब्लड विच मिल गया मतलब एक्यूमुलेट मतलब मिल जाना तो डेथ नू डेथ होगी। यूरिया साड़ी बॉडी चो कढ़िया जांदा है किडनीज दे द्वारा। एक्सेस सॉल्ट्स एंड सम विटामिन्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज। ये भी की कहिंदे साडी बॉडी जिहड़े कुछ विटामिन्स ते सॉल्ट्स हुंदे आ वो भी किडनी दे द्वारा साडी बॉडी तों निकाले जांदे ने। बाइल पिगमेंट्स दीज आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसीज। जिहड़े डेड आरबीसीज ने आरबीसीज हुंदे ने रेड ब्लड सैल्स। जिहड़े डेड आरबीसीज होंगे मरे हुए आरबीसी हीमोग्लोबिन उन्होंने ब्रेकडाउन जो ब्रेक हो जाते हैं डेड आरबीसीज के ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो ब्रेक हो जाते हैं उन्होंने प्रोडक्ट्स नू बाइल पिगमेंट्स कहा जाता है। यह बाइल पिगमेंट्स ज़्यादा साड़ी बॉडी तो फेसिस द्वारा निकले जाते हैं या ज़्यादातर यूरिन के द्वारा साड़ी बॉडी चो कटे जाते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम विच पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। हुण इन्हां बारे से धीरे 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 करके पढ़न लगे ने। जे तुसीं मेरे चैनल ते नए हो तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ ते वीडियो नूं लाइक कर दिओ। हुण असीं जी किडनी बारे पढ़न लगे ने। किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर है तो किडनीज आ बीन शेप स्ट्रक्चर मतलब किडनीज राजमा दी शेप दे स्ट्रक्चर हुंदे है। आउटर टू साइड दी किडनीज हुंदी है, एक इनर साइड ते आउटर साइड। द आउटर साइड ऑफ द किडनी इज कॉन्वैक्स शेप्ड एंड द इनर साइड इज कंकेव शेप्ड। मतलब जिहड़ी बाहरली किडनी है जिहड़ी बाहरली साइड दी किडनी है वह कन्वैक्स हुंदी है ते इनर साइड दी किडनी कंकेव शेप्ड हुंदी है। किडनीज आर प्रेजेंट ईदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। जिहड़ी साड़ी रीढ़ की हड्डी होंदी है किडनीज उधर प्रेजेंट होंदी है। जिहड़ी राइट किडनी है वह प्लेस द राइट किडनी इज प्लेस स्लाइटली एट द लोअर लैवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीवर ऑफ द ऑन द राइट साइड ऑफ बॉडी। लैफ्ट साइड की किडनी जिहड़ी दो साइड्स अपनी किडनी प्रेजेंट होंदी है लैफ्ट ते राइट। जिहड़ी राइट साइड की है वह कुछ थलड़े लैवल प्रेजेंट होंगी है लैफ्ट साइड की किडनी तो। मतलब जिते लैफ्ट साइड की किडनी प्रेजेंट होंगी है उत्थे नहीं उस थोड़े थले प्रेजेंट होंगी है क्योंकि उसके राइट साइड की किडनी बॉडी के पार्ट में लिवर होंगे। ओके अबव ईच किडनी द एड्रेनल ग्लैंड इज प्रेजेंट। हरेक किडनी उपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होंगे एड्रेनल ग्लैंड ऑन द कनकेव साइड ऑफ द किडनी। कनकेव साइड मतलब
इनर साइड ऑफ द किडनी, देयर इज डिप्रेशन इन द मिडल कॉल्ड द हिलम, जड़ी अंदरली साइड होंगी किडनी उसके विच डिप्रेशन प्रेजेंट होंगे विचाले विच, जिन्हों हिलम कहने ने। हिलम के द्वारा रैनल आर्टरीज की रैनल आर्टरीज साड़ी किडनी विच एंटर कर दी है, रैनल वे साड़ी किडनी नू लीव कर दी है। रैनल आर्टरी ते रैनल वेन्स दे वेन्स दे बारे भी पढ़ांगे बाचो। हुन फ्रॉम द हिलम, हुन हिलम का फंक्शन की होंगे, हिलम के द्वारा फ्रॉम द हिलम रैनल आर्टरीज एंटर द किडनी एंड रैनल वेज लीव द किडनी। यह हिलम का फंक्शन है जिसे द्वारा रैनल आर्टरीज वेज एंटर ते लीव होंगी है किडनी। किडनी किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, एन आउटर डार्क रीजियन जिन्हों कॉर्टेक्स कहा जाता है, इनर लाइट रीजन जिन्हों मेडूला कहा जाता है। मेडूला की होंगे, मेडूला एक यूरिन नू सुका देंदा, यूरिन मतलब साढ़े वॉशरूम नू सुका देंदा, एक फनल शेप स्ट्रक्चर विद जिन्हों रैनल पेल्विस कहा जाता है। किडनी विच मेडूला सुका देंदा, फिर यूरेटर के द्वारा वह यूरिनरी ब्लैडर में जाके चला जाता यूरिन, तो वह की कहें यूरेथ्रा के द्वारा साड़ी बॉडी चो यूरिन निकल जाता है। मेडूला जोड़ा वो सुका दूगा साढ़े वॉशरूम नू रैनल पेल्विस विच, फ्रॉम इधरों यूरेटर ओरिगिनेट होगे। हुण असी रोल ऑफ किडनीज पढ़ांगे इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच, मतलब किडनीज का जो ब्लड फिल्टर होंगे वो किडनी का की रोल होंगे। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट अ मिलियन टाइनी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द मेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी दैट फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वेस्टस। हरेक किडनी के उत्तर हरेक किडनी विच एक मिलियन जे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जिन्होंने नेफ्रॉन्स कहा जाता है। सब तो ज़्यादा किडनी से जोड़ा पार्ट फंक्शन होंगे वह होंगे नेफ्रॉन। हूँ नेफ्रॉन की है, यह ब्लड नू फिल्टर करता है, साड़ी बॉडी विच वेस्ट रिमूव करता है, जेहड़े ब्लड कंटेनिंग वेस्ट एंटर द किडनी थ्रू रैनल आर्टरीज। यह फंक्शन है ब्लड कंटेनिंग वेस्ट, जेहड़े ब्लड विच वेस्ट होंगे है, जेहड़े गंदा खून होंगे वह एंटर करता है किडनी विच रैनल आर्टरीज द्वारा। हुण जिवें कि वेरियस सबसटांसिस जिवें लाइक ग्लूकोस, अमीनो एसिड, वाटर एंड वेरी यूजफुल सबसटांस रीअबजर्व बाय द रैनल ब्लड कैपीलरीज। जेहड़े यूजफुल सबसटांस होंगे जिवें कि अमीनो एसिड, पानी, ग्लूकोस, वह की कहते रीअबजर्व हो जाते हैं अपने आप अपने रैनल ब्लड कैपीलरी विच अपने आप ही ऑब्जर्व होने लग जाते हैं। हुन नाइट्रोजीनियस एंड अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट इज द प्रेजेंट इन द ब्लड एंड अ फिल्टर इन द नेफ्रॉन्स एंड पास आउट फ्रॉम द किडनी इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। हुन जेहड़े नाइट्रोजीनियस से कुछ अदर वेस्ट होंगे है वह साड़ी ब्लड विच आते हैं, तो नेफ्रॉन में फिल्टर होकर किडनी से पास हो जाते हैं यूरिन के द्वारा, यूरिन वॉशरूम के फॉर्म विच। हुन यूरिन लीव्स द किडनी, हुन जब यूरिन साड़ी किडनी लीव होगी वह द्वारा वह लीव करूगा यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा, वह यूरिन जरा है वह यूरिनरी ब्लैडर में जाऊगा साडा यूरिन यूरेटर से ज्यादा। फिर जो यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है सानू साडे यूरिन का मतलब वॉशरूम का प्रेशर बन जाता है, तो यूरेथ्रा के द्वारा वह यूरिन साडी बॉडी चो बाहर निकल जाता है। हुन यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा ते नेफ्रॉन दे स्ट्रक्चर बारे असीं अपने अगली वीडियो च पढ़ांगे। जे तुहानूं अज साडी अज दी वीडियो वधिया लगी तां जरूर लाइक करियो, शेयर करियो, सबसक्राइब करियो, धन्नवाद। यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, बोमन्स कैप्सूल, इन्हां बारे असीं अपनी अगली वीडियो भी जिक्र करांगे। धन्नवाद।